मायावती बोली सरकार बनी तो वेस्ट यूपी बनेगा अलग राज्य, कहा भाजपा की नाटकबाजी और गारंटी काम नहीं आने वाली। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में की जनसभाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल से यूपी में चुनाव प्रचार शुरू किया। पहली रैली सहारनपुर के नागल में की, इसके बाद मुजफ्फरनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर में मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाएगा, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच भी बनाई जाएगी। इससे पहले नागल में मायावती ने कहा भाजपा और कांग्रेस की कथनी और करनी एक जैसी है, अब ऐसा लगता है कि इस बार यह पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। मायावती ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई नाटकबाजी, जुमलेबाजी और गारंटी काम आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा इनके चुनावी घोषणा पत्र और प्रलोभन में नहीं आना है। हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में कम और काम करने में ज्यादा विश्वास रखती है, इसलिए बसपा कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करी। यूपी में 4 बार हमारी सरकार रही, बिना घोषणा पत्र के काम करके दिखाया। सहारनपुर में मायावती ने कैराना से प्रत्याशी श्रीपाल राणा और सहारनपुर से प्रत्याशी माजिद अली को वोट करने की अपील की। वहीं मुजफ्फरनगर में तारा सिंह प्रजापति के पक्ष में जनसभा की। मायावती ने कहा कैराना में बसपा ने ठाकुर को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस और सपा ने किसी ठाकुर को टिकट नहीं दिया। अब सहारनपुर में भी ठाकुर समाज के लोग भी बीएसपी को टिकट देने का काम करेंगे। उन्होंने पूर्व सांसद स्वर्गीय जगदीश राणा का नाम लिए बगैर कहा कि बीएसपी ने ठाकुर समाज को टिकट देने का काम किया था और जीत हासिल की थी। मायावती ने कहा जब भी बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है तब कांग्रेस ने भी मुस्लिम को उतारा है, लेकिन वे नहीं जानते कि उनका उम्मीदवार जीतने वाला नहीं है। मायावती ने कहा बसपा यदि सत्ता में आती है तो सबका ख्याल रखा जाएगा, खासकर दलित अल्पसंख्यक आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ी जाएगी।